सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में किस्मत दस्तक नहीं देती हो, लेकिन समय पर द्वार नहीं खोलने पर वह अगले द्वार पर चली जाती है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। आज का पंचांग 3 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि शाम 6:29 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 9:45 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:30 से 2:02 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी। यह आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इससे आपको वित्तीय लाभ भी होंगे। इससे आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपकी आशावादिता और खुशमिजाजी से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लें। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे तथा कार्यभार भी बढ़ेगा। नई जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थी सही दिशा में प्रयास करें तो बेहतरीन सफलता मिल सकती है। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर भी रहेंगे। काम के अलावा अन्य बातों पर अधिक ध्यान देने से काम की क्वालिटी में सुधार नहीं आएगा। आपकी लापरवाही की वजह से आलोचना हो सकती है। परिवार संबंधित बातों को सुलझाने के लिए आप सक्षम हैं। बस आपको सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा। करियर या बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों में सुधार करना होगा। अहंकार और गुस्से से बचें। उच्च शिक्षा संबंधित प्रयत्न रुकेंगे। करियर से जुड़ी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पार्टनर की बातों को समझाने की कोशिश करनी होगी। आपको अपना गुस्से से बचना होगा। पैर पर सूजन हो सकती है, ख्याल रखें। सावधानियां। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में उनका सहयोग करें। किसी पड़ोसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है, बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों में न उलझकर अपने कार्यों में ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना पछतावा भी दे सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने प्रियजनों के साथ संबंधों में भावनात्मक मजबूती आएगी। प्रेम संबंध में सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आपके रिश्ते में हाल फिलहाल काफी उलझने रही है और आप अपने पार्टनर के इशारे या जो वह आपको समझाना चाह रहे हैं वह नहीं समझा पाए हैं। आज आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप इसके आधार पर कोई निर्णात्मक कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी शांति बनाए रखें। बात करते हैं करियर की। रोजगार और आय के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के काफी अवसर मिलेंगे, जिसको लेकर आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा है, जिसे लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज परिवार और कार्य क्षेत्र में संतुलन बिठाना मुश्किल हो सकता है और आप अपने कार्य क्षेत्र को परिवार की तुलना में ज्यादा महत्व देंगे। व्यवसायिक क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। कर्मचारियों और स्टाफ के सुझाव पर खुले दिल से स्वागत करें। इसे कारोबार बढ़ाने की संभावना बनेगी। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ टीम वर्क में काम करें तो उचित रहेगा। बात करते हैं सेहत की। अपनी क्षमता से अधिक कार्यभार न ले, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे। ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें कि कैसा बैठ रहे हैं। इसके लिए एक कुशन भी रख सकती हैं। आज आपकी ऊर्जा जरा कम ही है, इससे घर तथा ऑफिस में भी आपका काम प्रभावित होगा। आज आप अपने दैनिक कार्यक्रम में फिटनेस संबंधित कोई काम शामिल करना चाहती हैं। आज का उपाय। आज आप गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करें, शुभ रहेगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।